अगर हम लोगों को जागरूक कर देंगे और इस जर्नी में अगर हम कुछ लोगों को मोटिवेट करते हैं, अगर वो रनिंग टेकअप करते हैं, जॉगिंग टेकअप करते हैं, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा और वो रिकॉर्ड तो अपने आप बन ही जाएगा। करोना दे टाइम दी जे गल करिए ते करोना दा टाइम, करोना काल जो है बेहद हेल्थ दे नाल जो है काफ़ी लोगों नू दिक्कत आई है। जिन्हां नू हेल्थ रिलेटेड इशूज़ ने उन्हां नू करोना काल दे विच काफ़ी दिक्कत परेशानियां दा सामना करना पिया। सो हेल्थ नू मद्देनज़र रखते हुए अज नेवी दे दो जवानों वालों एक बहुत वड्डी पहल की गई है। कन्याकुमारी टू कश्मीर 4000 किलोमीटर रन करके वो यूथ नू मैसेज देना चाहते ने, लोगों नू मैसेज देना चाहते ने कि इंडिया नू फिट बनाया जावे, फिट इंडिया मूवमेंट लेके चले। कन्याकुमारी टू कश्मीर दे रन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिदे विच जो नेवी दे दो जवान ने आज लुधियाना पहुंचे ने। भारतीय जल सेना दे दो जवान कन्याकुमारी तो लेके कश्मीर तक दौड़ लगा रहे ने। इसे पड़ा दे तहत आज ओ लुधियाना पहुंचे जिथे उन्हां दा लुधियाना वासियां वल्लों स्वागत किया गया अते उन्हां नूं सन्मानित भी किया गया। इन्हां नौजवानां वल्लों महज 56 दिन दा टिच्चा मिख्या गया है अते 4431 किलोमीटर दा सफर तय करके ओ विश्व रिकॉर्ड अपने नां करनगे अते नाल ही भारत दी एकता दा सुनेहा भी देणगे। सर, कन्याकुमारी टू कश्मीर तुसीं रनिंग कर रहे हो, इह इच्छा किस तरह आई तुहाडे मन दे विच, क्यों सोचा करें? कोस मैम, आज का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। लोग जो हैं वो 9 AM टू 9 PM एकदम अपनी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, और मतलब लोग अपने हेल्थ के लिए कोई टाइम नहीं दे पा रहा है। तो हमने सोचा है कि हम एक बार एक अलग जगह आते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं और एक एग्जांपल सेट करते हैं जिससे लोग ये समझ सके कि हाँ यार, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर, यूथ डे ते तुसी स्टार्ट किया सी, सो यूथ लई मोटिवेशन है? यस मैम, वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ऑन द ओकेजन ऑफ यूथ डे, दैट वाज ऑन 12th Jan फ्रॉम कन्याकुमारी। ये हमने यूथ डे के जो डेट ली थी ये इसीलिए लिए थे कि हम यूथ को इंस्पायर कर पाएँ, सो दैट यूथ, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये सब यूथ में जल्दी ज़्यादा टेकअप कर रही हैं। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ऑन यूथ डे। सर, जैसे कि सभी कह रहे हैं कि आपने रिकॉर्ड बनाना है, सो ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के कॉज के लिए कर रहे हैं या आपका जो मकसद है वो लोगों को जागरूक करना है? मैम, मेन मकसद तो हमारे को लोगों को जागरूक करने का है। अगर हम लोगों को जागरूक कर देंगे और इस जर्नी में अगर हम कुछ लोगों को मोटिवेट करते हैं, अगर वो रनिंग टेकअप करते हैं, जॉगिंग टेकअप करते हैं, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा और वो रिकॉर्ड तो अपने आप बन ही जाएगा। सर, कोरोना के टाइम में हेल्थ इश्यूज बहुत सामने आए हैं, हेल्थ के करके जिनको दिक्कत होती है उनको कोरोना जो है कोरोना की बीमारी की काफ़ी तकलीफें हो रही है, सो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? इसके रिलेटेड एक ही है, एक ही की पॉइंट है, आप योगा कीजिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि रनिंग के लिए कुछ हाई चीज़ें चाहिए, एक शॉर्ट एंड टी शर्ट चाहिए होती है और आप एक ग्राउंड, मतलब रोड तो सब जगह है ही, ओनली टी शर्ट एंड शॉर्ट की ज़रूरत है। गो फॉर द योगा, गो फॉर द रन, और हम लोग अपने हेल्थ को अच्छा बना ही सकते हैं। सर, यूथ के लिए और पूरी जो दुनिया देख रही है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक मिल के मैसेज देना चाहेंगे, इट्स ए रन फॉर ए कॉज बिकॉज हेल्थ मैटर्स, स्टॉप एनसीडी, हर दौड़ देश के नाम, जय हिंद। लुधियाना विच विशेष तौर ते साबका फौजियां वल्लों इन्हां जवानां दा स्वागत किया गया ते सन्मानित भी किया गया। देखो, असी सारे इंडियन नेवी दे जिन्ने भी रिटायर्ड अफसर ने, जवान ने, जूनियर ने, सीनियर ने, वख वख ब्रांचां दे ने, उन्हां वल्लों जिहड़े लुधियाना च रहिंदे ने, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट दे विच रहिंदे ने, उन्हां वल्लों उन्हां दे परिवारां वल्लों ग्रेवाल साहब साडे सीनियर ने इन्हां दी अगवाई हेठ, मनजीत सिंह जी साडे सीनियर ने इन्हां दी अगवाई हेठ, लुधियाना दे विच असी इह जिहड़ी टीम है, ये इंडियन नेवी दे दो नौजवान ने जिन्हां ने दुनिया नूं एक मैसेज स्प्रैड करना है कि जिहड़ी हैल्थ है ये बड़ी जरूरी है, तो हैल्थ वास्ते डेली सानूं एटलीस्ट कुछ ना कुछ समा कढ़ना चाहिए। वो मैसेज लैके और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने लई 4431 किलोमीटर कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक जा रहे ने, और वो अज उन्हां दे टोटल तकरीबन 56 दिनों का, अज उन्हां दा 45th डे है, अज वो लुधियाने पहुँचे ने, असी उन्हां दा स्वागत किया, और ये जिहड़ा संदेश है उन्हां वल्लों लोगों नूं तां कि जावे, इस करके असी मतलब इन्हां नूं इत्थे रोकिया और तां कि इन्हां नूं असी फैसिलिटेट कर सकीए, इन्हां नूं सन्मान कर सकीए, और एक दू इत्थों दे लोगों नूं भी एक सुनेहा दे के जा रहे हैं कि जिहड़ी अच्छी हैल्थ है
वो बहुत जरूरी है। सो इस तरह नेवी दे दो जवान मिलके पूरे देश नू फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे ने ताकि देशवासियों नू फिट बनाया जा सके, करोना नू हराया जा सके। तो इस नाल ही फिट इंडिया मूवमेंट दे नाल यूथ नू भी मोटिवेट किया गया है। यूथ डे ते इवेंट जो स्टार्ट किया गया सी, सो इन्हां वल्लों इक्को ही मैसेज लोगों नू दिता जा रहा है कि देश नू फिट बनाया जाए ते देशवासियों नू योगा करना स्पोर्ट्स करन दी प्रेरणा देंदे हुए अज लुधियाना तक पहुँचे ने कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तो कन्याकुमारी तो कश्मीर तक 4000 किलोमीटर दी यह रेस जो है रनिंग जो है करेंगे ताकि यह एक रिकॉर्ड भी बनाया जा सके ते नाल ही पूरे देश नू मोटिवेट किया जा सके योगा ले स्पोर्ट्स ले ते फिट रहन ले। कैमरामैन मुनीश कुमार दे नाल मैं हां साक्षी द समर न्यूज़। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।